हेलो एवरीवन, मैं प्रभात कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग यूपीपीसीएल का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो दोस्तों हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एक पार्ट में। आज दोस्तों ये दूसरा पार्ट है, तो दोस्तों आज इसमें हम लोग 21 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20 तक हमारा पूर्ण हो गया है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, उस परिपथ के शक्ति गुणांक की प्राकृत क्या है जिसकी बोल्टता और धारा तरंग रूप नीचे आरेख में दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये जो आरेख दिखाया गया है, तो इसमें पूछ रहा है कि शक्ति गुणांक की प्राकृत क्या है और बोल्टता धारा तरंग रूप पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं हम लोग कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज दोस्तों क्या कर रहा है, आगे है, और जो धारा है दोस्तों ये पश्चगामी है। तो दोस्तों हमें धारा से लेना है, धारा क्या है, पश्चगामी है, अर्थात लैगिंग कर रहा है। धारा जो है लैगिंग कर रहा है और वोल्टेज लीड कर रहा है, तो इसलिए दोस्तों क्या है, धारा लैगिंग में है। आगे दोस्तों बात करें, इसमें 21 में दोस्तों एक नंबर ऑप्शन सही है। दोस्तों यूनिटी किस में होता है, यूनिटी अर्थात एक दोस्तों प्रतिरोध में होता है। इसमें धारा और वोल्टेज क्या होते हैं, एक फेज में होते हैं, समान कला में होते हैं। तो दोस्तों अग्रगामी क्या होता है, अग्रगामी दोस्तों ये कैपेसिटिव में होता है। दोस्तों इसमें धारा जो धारा वोल्टेज के बीच के 90 अंश का कोण होता है अग्रगामी, इसलिए इसको आगे होता है, धारा आगे होती है और इनके बीच क्या होता है, 90 डिग्री कोण बनता है। फ्रेंड्स आगे बात करें, अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक नियत डीसी सोर्स से डीसी मोटर गति को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की विद्युत इलेक्ट्रिक परिवर्तक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो होता है चोपर, हम लोग जो जानते हैं क्या होता है, चोपर का प्रयोग किया जाता है कन्वर्टर के रूप में। किसका प्रयोग करते हैं, चोपर का। तो दोस्तों 22 में दो नंबर ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स आगे चले 23 नंबर में कह रहा है दोस्तों, को कम करने के लिए शक्ति परिणामित्र में लौह क्रोड के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात और मिश इस्पात का प्रयोग करते हैं। दोस्तों सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए, अर्थात सौथिल्य हानि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सौथिल्य हानि। दोस्तों भंवर धारा हानि कैसे कम किया जाता है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके लिए लिमिनेटेड पत्तियों का प्रयोग करते हैं, लिमिनेटेड होना चाहिए। दोस्तों ताम्र हानि की बात करें, तो जो ताम्र हानि होता है दोस्तों, ये लोड पर निर्भर करता है, किस पे, लोड पर निर्भर करता है। दोस्तों नए स्लाइड पे हम देखते हैं, जो ताम्र हानि होता है दोस्तों, ये लोड पर निर्भर करता है। लोड जितना घटाएंगे बढ़ाएंगे दोस्तों, उतना ये भी घटेगा, अर्थात हम कह सकते हैं आई स्क्वायर आर क्या है, ताम्र हानि है। दोस्तों जो सौथिल हानि होता है, सौथिल हानि को हम जानते हैं, सौथिल हानि मतलब हिस्टेरिसिस हानि, इसका जो होता है ये WH बराबर होता है नीटा बी 1.6 MFV। दोस्तों ये हमारा सौथिल हानि होता है। ये दोस्तों सिलिकॉन इस्पात या मिश्र इस्पात का उपयोग किया जाता है इसे कम करने के लिए। दोस्तों अगर भंवर धारा हानि की बात करें, ये होता है WE, हम लोग भंवर धारा देख रहे हैं मतलब ED करंट। तो दोस्तों WE बराबर होता है B² MF² T² दोस्तों ये T² होगा। तो दोस्तों ये है हमारा भंवर धारा हानि, सौथिल हानि और ताम्र हानि। फ्रेंड्स भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिनेशन करते हैं, और सौथिल हानि को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिलिकॉन इस्पात मिलाते हैं, और लोड हानि है दोस्तों, ताम्र हानि जो होता है लोड हानि पर निर्भर करता है। तो 23 में दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन सही है। 23 में दोस्तों
तीन नंबर ऑप्शन सही है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। 24 में दोस्तों, मृदा के उपचार द्वारा भूसंपर्क प्रतिरोध में सुधार के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों वो होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अर्थात ऋण विद्युती, इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। फ्रेंड्स आगे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अर्ध तरंग दृष्टकारी ज्या तरंग का आकृत गुणक अर्थात फॉर्म फैक्टर क्या है? वो दोस्तों होता है पाई बटे दो। क्या दोस्तों? पाई बटे दो। 25 में पहला ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स आगे चलें 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर कह रहा है दोस्तों, किस पदार्थ में तापमान में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोध घटता है? तो दोस्तों कौन सा पदार्थ है कि तापमान में अगर हम लोग वृद्धि करें, क्या दोस्तों तापमान में अगर हम लोग वृद्धि करें तो प्रतिरोध घटता है? तो दोस्तों यहाँ हम लोग दो चीज़ देखते हैं नई स्लाइड पे। दोस्तों एक होता है एनटीसी, जिसका मतलब होता है निगेटिव, दोस्तों जिसका मतलब होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका मतलब होता है एनटीसी का निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। दोस्तों आगे देखते हैं, जो एनटीसी होता है इसका मतलब होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। दोस्तों इसमें अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध होता है दोस्तों क्या होगा, घट जाता है, और जो चालकता होती है दोस्तों वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ये एनटीसी में होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, और जो चालकता होती है दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है, चालकता होती वो बढ़ जाता है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखें थर्मिस्टर होता है। क्या दोस्तों? थर्मिस्टर, ये होता है थर्मिस्टर। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है, ताप में वृद्धि की जाए, मतलब ताप में क्या की जाए, वृद्धि की जाए, और तो प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। ये किस में होता है, एनटीसी में। एनटीसी में कौन आते हैं, एक कुचालक आता है और एक अर्धचालक आता है। तो दोस्तों इसमें कुचालक क्या है, कार्बन। तो दोस्तों 26 में तीन नंबर ऑप्शन सही है। दोस्तों इसी में अगर बात करें, एक होता है पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, और चालकता क्या होती है, घटती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, चालक आते हैं, जैसे सोना चांदी ये सब क्या है, चालक है। और उदाहरण के रूप में अगर और देखें तो सेंसिस्टर भी आता है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, पीटीसी है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हम लोग दोस्तों देख लिए कि पॉजिटिव टेम्परेचर तो और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो दोस्तों यह निगेटिव हमने क्या देखा, निगेटिव हमने देखा कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या हुआ, प्रतिरोध घट गया, और चालकता क्या हुई दोस्तों, चालकता बढ़ गई। लेकिन पीटीसी में क्या हुआ दोस्तों, पीटीसी की बात करें तो इसमें क्या हुआ था, पीटीसी में दोस्तों टेम्परेचर हम लोग बढ़ाए तो प्रतिरोध भी बढ़ा और चालकता क्या हुई, घट गई। तो दोस्तों ये एनटीसी और पीटीसी का जो रिलेशन है इसे आप याद रखिएगा। तो दिए गए ऑप्शन में दोस्तों ये क्या पूछ रहा है कि टेम्परेचर में वृद्धि करें, क्या दोस्तों, टेम्परेचर में वृद्धि करें प्रतिरोध क्या होगा, घट जाए। टेम्परेचर में वृद्धि प्रतिरोध घट जाए तो क्या होता है दोस्तों, निगेटिव टेम्परेचर। तो इसमें
तीन नंबर ऑप्शन सही है। 26 में दोस्तों तीन नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि पूरा समझ में आ गया होगा डिटेल, इसे दोस्तों ज़रूर याद रखिएगा। आगे दोस्तों 27 नंबर कह रहा, किस वायरिंग का उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन और विश्राम के उद्देश्य से किया जाता है? तो दोस्तों ये क्या होता है, होम थिएटर के रूप में, होम थिएटर वायरिंग जो होता है इसे मनोरंजन और विश्राम के रूप में किया जाता है। तो 27 में दोस्तों एक नंबर ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स बात करें हम 28 नंबर की, 28 नंबर में कह रहा वायरिंग एसेसरीज के भी निर्देशों को होना चाहिए। दोस्तों वायरिंग एसेसरीज के भी निर्देशों को ISI मानक होना चाहिए। क्या दोस्तों, ISI मानक होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें तीन नंबर ऑप्शन सही है, 28 में तीन नंबर ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 29 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन द्वितीयक प्रकार के यंत्रों का एक उदाहरण है? तो दोस्तों द्वितीयक प्रकार का यंत्र क्या है दोस्तों, वाट मीटर। 29 में दोस्तों चार नंबर ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स आगे बात करें, दोस्तों 30 नंबर पे कह रहा है, भू संपर्कन क्षण अर्थिंग राड के किस, भू संपर्कन क्षण अर्थात अर्थिंग राड के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों कार्बन बंधित बहुलक का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। दोस्तों 30 में तीन नंबर ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स आगे इसी में देखें 31 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों 31 नंबर कह रहा है कि, एक मिनट दोस्तों, 31 नंबर में कह रहा है कि फेज के उदासीन तार अर्थात न्यूट्रल वायर के शॉर्ट होने पर क्या प्रभाव होगा? दोस्तों अगर न्यूट्रल वायर शॉर्ट हो जाएगा तो उसमें से उच्च धारा प्रवाह होगा और आग लगने की संभावना होगी। तो दोस्तों 31 में एक नंबर ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें, 32 नंबर कह रहा दोस्तों, बड़े उद्योगों में शून्य भार स्थित तुल्यकालिक मोटर के संचालन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो शून्य भार पर स्थित जो तुल्यकालिक मोटर का संचालन किया जाता है वो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, किसको, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो 32 में दोस्तों चार नंबर ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर बात करें हम पावर फैक्टर को हम लोग, इसमें चार नंबर ऑप्शन सही है। कास फाई पावर फैक्टर का कास फाई बराबर क्या होता है, आर अपान जेड के। दोस्तों कास फाई बराबर आर अपान जेड के, कास फाई क्या है दोस्तों, ये पावर फैक्टर है। आगे दोस्तों बात करें 33 नंबर में, 33 नंबर कहता है दोस्तों, फोटोवोल्टाइक सेल्स में किस तरह के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दोस्तों फोटोवोल्टाइक सेल में हम अर्धचालक का उपयोग करते हैं, किसका, अर्धचालक का उपयोग करते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल में अर्धचालक का उपयोग करते हैं। दोस्तों 33 में चार नंबर ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स ये एक वायरिंग का डायग्राम दिया है, देखिए थोड़ा लंबा है, देखिएगा, प्रदत्त आकृति में किस प्रकार की तार स्थापना वायरिंग प्रणाली को दर्शाया गया है? तो दोस्तों हम फिगर को थोड़ा जूम करते हैं, इसे देखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा ये मुख्य स्विच बोर्ड है और ये स्विच है, लैंप लगा हुआ है। तो दोस्तों ये क्या है, जॉइंट, क्या है दोस्तों, ये है ऑप्शन में दिया गया है, जॉइंट बॉक्स तार स्थापन प्रणाली है। तो दोस्तों इसमें एक नंबर ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स आगे चलें, 35 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, 35 नंबर कह रहा है, यदि लाइन वोल्टेज 252 वोल्ट है और लाइन धारा 6 एम्पियर है तो त्रिकोण संयोजित डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज प्रणाली में कला वोल्टता क्या होगा? तो दोस्तों जब लाइन वोल्टेज 252 है तो कला वोल्टेज भी वही होगा 252। तो 35 में एक नंबर ऑप्शन दोस्तों सही है। दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें, ये 36 नंबर कह रहा है, कार्यालयों और अन्य विशिष्ट उद्देश्य के लिए किस प्रकार का प्रकाश की अनुशंसा की जाती है? तो दोस्तों जो कार्यालयों और अन्य विशिष्ट उद्देश्य के लिए
किस प्रकार की प्रकाश की अनुशंसा की जाती है, तो वो होती है दोस्तों अर्ध प्रत्यक्ष। क्या? अर्ध प्रत्यक्ष की अनुशंसा की जाती है दोस्तों। 36 में एक नंबर ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जो 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तड़ित अर्थात लाइटिंग स्ट्रोक से उपकरणों की सुरक्षा के लिए जिस सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों। जो तड़ित होता है, तड़ित स्ट्रोक से उपकरणों की सुरक्षा के लिए जिस सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम तड़ित रोधक कहते हैं। क्या दोस्तों? तड़ित रोधक पहला ऑप्शन दोस्तों सही है, तड़ित रोधक। दोस्तों अगर बात करें तड़ित रोधक अर्थात हम तड़ित चालक की बात करें, तो दोस्तों तड़ित चालक की खोज किसने किया था, तो बात करें अगर दोस्तों तड़ित चालक की, तो तड़ित चालक की खोज किसने किया था, तो दोस्तों जो दूसरे स्लाइड पे हम देख लेते हैं, जो दोस्तों तड़ित चालक है, तड़ित चालक है, इसकी खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था तड़ित चालक की खोज? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। दोस्तों अगर इसे कैसे बनाया जाता है, किस धातु से? ये दोस्तों तांबा का बनाया जाता है। किसे? तांबा का बनाया जाता है। तो दोस्तों ये तांबा का बनाया जाता है और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी। तो दोस्तों इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 38 नंबर कह रहा है दोस्तों, किस प्रकार का परिवर्तक डीसी मोटर, एसी मोटर परिवर्तक और प्रदीपक इन्वर्टर के रूप में कार्य कर सकता है, तो दोस्तों होता है घुड़े परिवर्तक। 38 में चार नंबर ऑप्शन दोस्तों सही है। बात करें दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन में, दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ में यदि तापमान घटता है, क्या तापमान घटता है तो इसका प्रतिरोध भी घट जाता है। तो हम लोग दोस्तों किस में देखे थे कि तापमान अगर घटाते हैं, तापमान घटाते हैं तो प्रतिरोध भी घट जाता है, अर्थात हम लोग भी पीटीसी में देखे थे कि अगर तापमान हम बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, अगर तापमान हम लोग घटा रहे हैं तो प्रतिरोध भी घट रहा है, अर्थात किस में होता है? चालक में ऐसा होता है। तो दोस्तों ये क्या है? चालक में अर्थात पीटीसी है, और पीटीसी के मतलब क्या हुआ? चालक। तो चालक इसमें से दिए गए ऑप्शन में क्या है? एल्युमिनियम चालक है। तो दोस्तों 39 में पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों आगे चलें, 39 में पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें। दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, थोड़ा जूम, ओके दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ये रहा दोस्तों हमारा 40 नंबर कह रहा है, विभक्त क्रोड के साथ एक धारा पिरामिड को जब एक रिकॉर्डिंग मीटर के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो दोस्तों उसे क्लैंप मीटर कहा जाता है, मापी कहा जाता है। क्या दोस्तों? क्लैंप मापी। तो दोस्तों 40 में चार नंबर ऑप्शन सही है। विभक्त, एक बार देख लेते हैं फिर दोस्तों, कर विभक्त क्रोड के साथ एक धारा पिरामिड को जब एक रिकॉर्डिंग मीटर के साथ संयोजित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लैंप मापी। दोस्तों 40 में चार नंबर ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स ये UPPCL का प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, जो पेपर है दोस्तों, ये आयोग के द्वारा टिक भी लगाया गया है। तो फ्रेंड्स हम इसके डिटेल टिक तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम इसका डिटेल भी बता रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन पे डिटेल है, सभी लगभग हमने क्वेश्चन का डिटेल बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।